दोस्तों हम अभी चढ़ रहे हैं डलहौजी की चढ़ाई, जो कि बहुत अच्छी खासी चढ़ाई है। तो बहुत ही कर्व्स हैं रोड में डलहौजी, लगभग 3 किलोमीटर डलहौजी यहाँ से रह गया है और ऑलमोस्ट अभी डलहौजी पहुँचने वाले हैं। ये सामने डलहौजी का जो है गेट आपको नज़र आ गया होगा, होटल भी आने शुरू हो गए डलहौजी के। डलहौजी जो है टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ काफ़ी जो है यात्री लोग आते हैं। तो एक बार मैं अपनी चेन चेक कर लेता हूँ, यदि चेन लूज़ है तो एक बार मैं उसको चेक कराना चाहता हूँ। 2 मिनट दोस्तों मैं चेक करा लेता हूँ चेन। स्टैंड और ये आ गया डलहौजी का बस स्टैंड, पहले एक बार हम यहीं रुके थे यार। ये देखिए मेन चौक आ गया डलहौजी का, तो हम देखना है चंबा जाना है हमें, चंबा के लिए इधर से निकलना है डलहौजी का जो है SBI बैंक। घूमना है? हैं घूमना, कहाँ जाना चाहते हैं? हाँ घूमना है यार, डलहौजी में क्या क्या चीज़ है घूमने के लिए? तो सर पंचकुला, नीचे पंचकुला वाटरफॉल, पंचकुला अच्छा वाटरफॉल। उसके बाद सर डायन कुंड है 9500 फीट पे है। आधा घंटा लगेगा बाइक में ना। अच्छा अच्छा, फिर ट्रैकिंग है 1.5 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, फिर ट्रैकिंग नहीं करनी? ट्रैकिंग नहीं करनी, वॉकिंग है सिंपल सर, व्यू बहुत बेस्ट है। अच्छा 9500 फीट पे वहाँ से हिमालय रेंज, फिर पंजाल रेंज, दौलादार रेंज। वो तो हम लाहौल स्पीति जा रहे हैं ना। अच्छा तो वहीं देख लेंगे वो सारा, उसी में ही जा रहे हैं हम। यहाँ दूर से दिखाओगे हम वहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना भाई? वो ठीक है, आज पास होते हुए जाएंगे ना। हाँ काजा काजा, आप सर ऐसा करो ना, फिर यहाँ से चले जाओ ना आगे गांधी चौक। हाँ अगर वाटरफॉल इधर से, नहीं वाटरफॉल तो छोड़ दो, फिर साज पास में बड़े बड़े 200-200 मीटर से गिरते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, यहाँ से जाओ आप गांधी चौक, यहाँ से जाएं। हाँ ये रास्ता जा रहा है 2 किलोमीटर गांधी चौक, ये गांधी चौक जा रहा है। उसके बाद आप चले जाओ वहाँ से खजियार रोड। तो देखिए दोस्तों हम पहुँच चुके हैं सुभाष चौक, और सामने आपको देखिए जो है सुभाष चंद्र बोस जी की जो है मूर्ति नज़र आ जाएगी। पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है डलहौजी में, ये मैं पहले आया था तभी भी बहुत प्रॉब्लम थी। ये चारों तरफ के जो नज़ारे आप डलहौजी सुभाष चौक के। हेलो गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं डलहौजी और सुभाष चौक पे। देखिए अभी इंजॉय कर रहे हैं गोलगप्पे, तो ये गौरव भाई ने कम से कम 50 गोलगप्पे खा चुके हैं और अभी 10 और बता रहे हैं खाने हैं। तो यार 50 और खाने हैं। तो यार अभी सुभाष चौक से हमने राइडिंग स्टार्ट कर दी है अपनी गांधी चौक के लिए। तो लेट्स गो टू गांधी चौक देन खजियार, ये वाला रोड है। और जो नीचे वाला रोड है ना वो ऊपर के लिए सुभाष चौक के लिए बस स्टैंड से आता है। गौरव भी आ गया है यार, चलिए तो लेट्स बिगिन एंड गो टू गांधी चौक। हल्का चेन से कट की आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्यों, जैसे गियर बदल रहा हूँ। तो यार शायद थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चेन लुब्रिकेंट करना पड़ेगा मेरे को ल्यूब। चेन ल्यूब लगाना पड़ेगा क्योंकि चल भी गई है काम।
MGM1। तो यार इंजॉय करो डलोजी को, मैंने आपको पूरा डलोजी घुमा दिया है यार, तो इंजॉय करो डलोजी को। क्या हुआ है यार, क्या मस्त नज़ारा है ना। अभी हम पहुंच गए गांधी चौक, ये देखो भैया ये है गांधी चौक। यस, तो ये अभी पहुंच गए गांधी चौक और ये देखिए मस्त एकदम बादल किस तरह से जा रहे हैं सामने, और ये पूरा आपको मैं दिखा देता हूँ इसका नज़ारा पूरा का पूरा। आप देखिए यहाँ ये होटल डलोजी है बिल्कुल जस्ट सामने, और तो ये है दोस्तों गांधी चौक डलोजी का, और इधर सिटिंग का बनाया हुआ है। तो यार देखिए मैं हूँ इस टाइम जो है गांधी चौक पर डलोजी में, तो चारों तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए डलोजी का गांधी चौक जो है, बाकी यहाँ ज़्यादा कुछ देखने के लिए एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल तो मैंने बहुत देखे हुए हैं यहाँ, कि बादल पूरा नीचे आया हुआ है बहुत ज़बरदस्त। बादल देखो यार क्या ज़बरदस्त, किस तरह से देखो एकदम मस्त एकदम। बहुत बढ़िया देखो यार बादल देखो आप, और ये है गांधी चौक डलोजी का, और ये है गांधी जी की मूर्ति सामने, और सामने है सिटिंग बैठने का। सामने देखिए आप इतना ज़बरदस्त जो है बादल, मस्त एकदम यार। अभी देखिए कटिहार है यहाँ से 22 किलोमीटर काली तो भी ये रास्ता ही जाता है, पूरा बादल नीचे है और ज़बरदस्त लग रहा है यार सच में, मतलब बहुत मस्त लग रहा है। यार पूरा बादल नीचे आया हुआ है, इतना खूबसूरत है। तो डलोजी पब्लिक स्कूल है देखिए यहाँ पर, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। सामने देखिए आप डलोजी पब्लिक स्कूल, क्या बात है, काफ़ी अच्छा स्कूल माना जाता है दोस्तों ये। और अब बादल देखेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा सच में यार, क्या बात है क्या बात है। मैं लाइट्स अपनी जला लेता हूँ यार, क्योंकि अभी पीछे से कोई आएगा तो दिखेगा नहीं, इसलिए लाइट जलाना ठीक रहेगा। बहुत बढ़िया,